रोना छोड़ और पढ़ाई चालू कर, ये मेरा कहने का मकसद क्या है। हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई लादू कटाना और मैं आपको बताया कि हमारे राजस्थान में CET की वैकेंसी आई हुई है, यानी CET की तैयारी करने वाले बहुत अभ्यर्थी हैं। अधिकांश अभ्यर्थी मेरे जैसे भाई जो हम रोना रोते हैं कि यार गांव से बाहर जाकर कहां पढ़े, कैसे पढ़े और पढ़े हो नहीं रही है, गांव में कैसे पढ़े। ठीक है, देखो एक मैं पहली बात ये बताता हूँ कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पहले बात तो मैं आपको मैंने जो स्पेशल मैंने लाइब्रेरी सेट की है वो बताता हूँ, उसके बाद मैं सारा कुछ बताऊँगा। तो देखना लाइब्रेरी भाई, इस वीडियो में कोई दिखावा नहीं है। देखो ये है मेरा घर, मेरे गांव में, देखो ये नीचे मेरे गांव है, ये है श्री देवनारायण जी का मंदिर, श्री देवनारायण जी का मंदिर है इन जस्ट पास में है, ये है मतलब मंदिर की तरफ से सराय बनी हुई है। तो इसको मैंने क्या किया है कि मैंने लाइब्रेरी की तरह इसको यूज़ कर रहा हूँ। कैसे, पास में मेरा घर है, हम वहाँ से यहाँ आता हूँ, सुबह आता हूँ मॉर्निंग में। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने लाइट की व्यवस्था मैंने स्वयं ने कर ली है। और देखो ये यहाँ से देखो, मैं पहले आपको स्पष्ट पूरा बताता हूँ, देखो अंदर लेकर जाता हूँ, ये है यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। अब पढ़ता हूँ, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि भाई दिखावा कर रहा है। भाई दिखावा नहीं यार, दिखावा क्या है मतलब आप भी कर सकते हो। या मैंने ये फैन लगा लिया है यहाँ पर ऐसे देसी जुगाड़ करके, यहाँ पर ऐसे देसी जुगाड़ करके मैंने ये फैन लगा लिया है। ठीक है, यहाँ पर दरी पड़ी हुई है और यहाँ पर मैंने बैठने की व्यवस्था कर ली है। कुछ बुकें ये पड़ी हैं और कुछ बुकें ये पड़ी हैं और कुछ ये मैंने मैप लेकर आया था, ये मेरा मैप है, राजस्थान का पूरा मैप लेकर आया था और वो मेरा एक वाला फ़ोन चार्ज हो रहा है और वो मैंने बोर्ड लगा लिया। ऐसा मैंने कुछ किया है, सच ही बोल रहा हूँ, ये सब कुछ किया है, सब सारा कुछ मैंने किया है। ठीक है, अब आप इसको आप ये कमेंट कर सकते हो कि यार भाई दिखावा कर रहा है, पढ़ेगा तब पता चलेगा। भाई आप ये बात सही है, दिखावा नहीं करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन होता है। मैं कुछ बता दूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ कोई मैटर नहीं करता है, परंतु ये वीडियो इसलिए है कि भाई यार हम बाहर नहीं जा सकते तो पढ़ सकते हैं। गांव में हमारा अधिकांश बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, हमारे दो भाई और आते हैं, वो भी आए नहीं हैं, बाकी ये सेटअप अच्छा हो गया है, ये पढ़ सकते हैं यार। CET हमको CET निकालनी है और CET निकालनी पड़ेगी, CET नहीं निकालेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले हमें CET पर पूरा फोकस करना चाहिए और CET निकालनी चाहिए। ठीक है, देखो पूरा जंगल है, जंगल देखो यहाँ पर पूरा जंगल है, ये सारा कुछ जंगल है और ये देव पास में देवनारायण बाबा का मंदिर है। तो मेरे लिए कोई नहीं बोलते कि कोई चीज़ कहाँ काम आ जाए, तो ये चीज़ मेरे लिए काम आ गई है। ठीक है, अब मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाता रहूँगा, परंतु भाई आप ये कमेंट मत करना कि यार दिखावा कर रहा है, दिखावा नहीं है ब्रो, दिखावा सिलेक्शन होता भी नहीं है। आपकी बात सही है और मैं भी एग्री करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी लाइब्रेरी थी, माना कि हमने बनाई है, हमने बनाने का मतलब हमने कुछ कर लिया कि भाई यहीं कर लेते हैं और यहीं पढ़ लेते हैं। देखो CET के पेपर 6-7 महीने हैं, तो करते हैं मेहनत, अगर अच्छे नंबर आते हैं तो फिर तो कुछ आगे करेंगे, वरना तो हमको जब दिख रहे हैं कि सब कुछ देखा जाएगा। देखो पहले कुछ नहीं बोलने वाला, और मैं और वीडियो लाता रहूँगा सॉरी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे ना कि यार कि लादू भाई को सपोर्ट करना चाहिए, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।